नमस्कार दोस्तों, नर नारी न्यूज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैच की सीरीज चल रही है, जिसका तीसरा टेस्ट रांची में खेला जा रहा था, जो अब ड्रॉ हो चुका है। तो चलिए आज बता दें कैसा रहा टेस्ट मैच का हाल। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 451 रन बनाए, उसमें टेन स्मिथ ने 178 रन और उसके साथ निभाने वाले ग्लेन मैक्सवेल ने 104 रन की सबसे बेहतरीन पारी खेली। इस दौरान भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहा रविंद्र जडेजा, उसने 5 विकेट झटके। उसके साथ उमेश यादव ने 3 विकेट झटके। आर अश्विन को 1 विकेट मिला और ईशांत शर्मा को कुछ हाथ न लगा। उसके बाद भारतीय टीम बैटिंग करने उतरी। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 202 रन बनाए। उसका साथ निभाने आज साथ निभाते सुलीमान शाह ने 117 रन बनाए। भारत ने दूसरी पारी में 603 रन बनाए। उस दौरान भारत ने 100 से ज्यादा रन की लीड बना रही थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी का खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पीटर हैंगसॉम ने 72 रन बनाए और वह मैच खत्म होने तक नॉट आउट रहे। अगर दूसरी पारी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए। ईशांत शर्मा और रविचंद्र अश्विन को 1-1 हाथ विकेट लगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग 204 रन पर 6 विकेट पर चला, 6 विकेट पर देर पूरा गया। उसके बाद यह तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करार दिया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट 25 तारीख से धर्मशाला में खेला जाएगा। आपको बता दें कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सीरीज पर टिकी है और तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और सबकी नज़र अब धर्मशाला की टेस्ट पर रहेगी।